हाय एवरीवन, दिस इज राकेश, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेलिब्रिटी फेस इंडिया। और आज का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है ऑल अबाउट आवर रील स्टार तुषार सिलावट। तुषार सिलावट के कुछ फैंस आए हैं अक्रॉस इंडिया से, उनसे वो मिलेंगे अभी और उनके साथ एक अपना पर्सनल इंटरव्यू करेंगे, जो कि ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखने वाले हैं हमारे राकेश द्विवेदी प्रोडक्शन एंड सेलिब्रिटी फेस के यूट्यूब चैनल पे। आप सबको अगर जो मिलना है तुषार सिलावट से, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, कल को आप भी तुषार से मिल सकते हैं, उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं और बहुत सारी रील सेल्फीज भी क्लिक कर सकते हैं। सो आइए, चलिए हम वेलकम करते हैं हमारे रील स्टार तुषार सिलावट से और उनके जो फैंस हैं उनका। हे एवरीवन, आई एम साक्षी फ्रॉम पंजाब स्टेट पठानकोट। तो आज हम तुषार के साथ हैं। तो आज हम तुषार से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आई होप कि तुषार हमसे शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर? मेरा फेवरेट यूट्यूबर है दानिश जैन, जो कि मैं 6-7 साल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है। एंड भाई अभी रहे नहीं है तो उनसे देख के काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है। एंड भाई अपने फेवरेट यूट्यूबर है सिंगल बस। लेकिन क्यों? क्योंकि उनसे काफ़ी चीज़ें सीखा हूँ मैं, मतलब कैसे क्या करना है, कैसे करना है, ब्लॉग्स कैसे बनाना है, मतलब फोटोज़ कैसे क्लिक कराना है, रील्स कैसे, वीडियोज़ कैसे बनाना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख के सीख लेता हूँ इंसान से, ये चीज़ है मेरे में, तो मैंने उनको देख के ही सब कुछ सीखा है आज, तो वो मेरे फेवरेट यूट्यूबर है इसीलिए। अच्छा, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू यू रील स्टार बनना चाहिए या यूट्यूबर? यार रील यूट्यूबर बन जाओ तो रील स्टार अपने आप बन जाओगे, रील स्टार बन जाओ तो यूट्यूबर अपने आप बन जाओगे। ऑडियंस होनी चाहिए आपके पास में ये सब चीज़ें बोलने की। अगर ऑडियंस किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपके पास है तो वो आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको देखने आएगी, सिंपल सी बात यही है। अभी तो आप रील स्टार हो तो आपको घर में सब सपोर्ट करते होंगे, पर जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तब आपको घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता था, मदर या फादर? यार मेरे फैमिली में ना, मैं बहुत ज़्यादा लोअर क्लास फैमिली से हूँ, मतलब हमारा बोले तो एकदम तो ऐसा कुछ उनको पता ही नहीं था कि ये सब क्या होता है क्या नहीं। बट उनको एक चीज़ पता थी कि देखो जो करना हो कर। मैंने उन लोगों ने मुझे ना 1 साल का टाइम दिया था, मैंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया था और उन्होंने बोला था कि 1 साल में कुछ भी कर ले या फिर कहीं पर जॉब करना, तो जॉब भी डिसाइडेड थी कि मेडिकल पे काम करूँगा मैं या फिर ऐसा कुछ भी, बाकी मेरे को तो खुद पे बिलीव था। मैंने बोला था 1 साल मेरे को दे दो, बस 1 साल झेल लो मेरे को, बाकी मैं सब कर लूँगा आराम से। तो स्कूल ड्रॉप आउट करा, देन 1 साल में तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस आ गए थे। सो उस वो सब चीज़ें देख के मेरे फैमिली ने फिर बाद में मेरे को काफ़ी सपोर्ट करना चालू कर दिया था। देखो घर में आप पैसे दो ला के सब सपोर्ट करते हैं, सिंपल सी बात। ओके, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मतलब आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है और कौन कौन? कितनी गर्लफ्रेंड? इंसान की एक गर्लफ्रेंड होती है, एक गर्लफ्रेंड है मेरी आर्यांशी, पता होगा आप सबको, तो मेरी वही गर्लफ्रेंड है। देखना अभी वो मुझसे लड़ाई करके ब्रेकअप में हो गया। ओके, थैंक यू, वेलकम। सो हेलो गाइस, माय नेम इज आचार्य, आई एम फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश। अच्छा, इंदौर से? मैं भी इंदौर से हूं। सो गाइस, अपने भाई भी इंदौर से ही है, तो बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर। एक नंबर भैया बड़े, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है गाइस ये। तो सबसे पहला ये आपके आपके बालों का राज, आपके बाल एकदम स्ट्रेट कैसे होते हैं, मतलब काफी भी ऐसे कर लो स्टाइल होता है? जादू है मेरे बालों में, ऐसे करूंगा कैसे करूंगा, जिधर करूंगा ऐसे। मैं मेरे बालों को बहुत ज़्यादा, पहली बात तो केयर करता हूँ। लोग क्या करते हैं, इतना हेयर ड्रायर लगाते हैं वॉश नहीं करते हेड अच्छे से, फिर टॉवल लेके साफ करेंगे बालों को तो ऐसे साफ करेंगे जैसे कि उनसे लड़ाई कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा केयर प्यार से रखता हूँ मेरे बालों को, वॉश करता हूँ 2-3 दिन में 1 दिन वॉश, दो दिन में एक बार हेड वॉश करना चाहिए, डेली शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहिए। मेरा एक लॉरियल का शैम्पू अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, पर्पल कलर की बॉटल है, कल ब्लॉग डालूंगा उसमें मैंने दिखाया है मेरे लगे पहले भी आपने ब्लॉग डाला था एक वो बढ़िया, बट अभी जो मैं शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ वो अलग चीज़ है। देन मैं केराटीन वगैरह भी कराता हूँ, मतलब 4-5 महीने में एक बार जाके करा लेता हूँ, शानू सलोन वगैरह बॉम्बे जाता हूँ मैं बॉम्बे हेयर कट, और सोचो मैं बॉम्बे जाता हूँ हेयर कट कराने, सोचो तुम, और अपनी हेयर ट्रीटमेंट्स वगैरह लेने कार चला के जाता हूँ बस बॉम्बे, वहाँ से करवा कर आता हूँ बस। तो आप जाओ वहाँ पर, आपके भी बाल अच्छे हो जाएंगे, बोल देना तुषार भाई जी से कर दो, कर देंगे।
आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है अभी इंस्टाग्राम पे जो अभी रील्स मतलब अभी वो यार मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं है, मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे ना वो सब कहीं ना कहीं यार एक एज हो जाती है ना इंसान की, उस वक्त फिर उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं रहता। टिकटॉक बनाते थे दीपक जोशी के साथ, हाँ वो तो अपने भाई लोग हैं, बेस्ट फ्रेंड वाली बात, वो तो भाई लोग हैं, जैसे भाई लोग ये भी भाई लोग इनके कभी कभार मिलते हैं काम से मिलते हैं तो वो अपने भाई लोग हैं, बट वो होता है ना बचपन में होती है सब बेस्ट फ्रेंड वाली चीज़ें कि ये वो बड़े हो जाते हैं फिर कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड, सब अपने काम से काम रखते हैं। बाकी मेरे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। अच्छा आपके पापा तो बहुत कॉमेडी मतलब वो उनके साथ बनाते हैं। मेरा दिमाग खराब होता है ना 5 मिनट जाके उनके पास बैठ जाता हूँ, बढ़िया दिमाग सही कर देते हैं। आपने पोस्ट भी डाला अभी जस्ट पोस्ट करा ना मैंने फोटो पोस्ट करा, हाँ वो मेरे मतलब एकदम क्लोज, उनको मेरे सारे सीक्रेट्स पता है, सब पता है। आप एक महीने में कितनी अल्टो खरीद सकते हैं? एक महीने में मैं अल्टो नहीं खरीदूंगा यार। नहीं तो भी नहीं आपका इनकम के थ्रू मतलब क्या होगी अल्टो? 1 लाख की 2 लाख अभी तो 2 लाख की हो गई तो भी 2 लाख आपका इनकम पूरी मत बताओ एकदम अल्टो के हिसाब से बताओ। यार मैं खरीद लूँ 5-7 अल्टो खरीद लूँ, 7-8 खरीद लूँ, डिपेंड करता है, कभी कभार 50 भी खरीद लूँ, डिपेंड करता है स्पॉन्सरशिप्स पे प्रमोशंस पे। अभी तो काफ़ी प्रमोशन आ रहे हैं 6 महीनों की वजह से बढ़िया, अभी तो घर लिया है जस्ट मैंने अभी, हाँ, ब्लॉग भी देखा था मैंने 1.5 CR का घर लिया है वो मैंने, वो फुल कैश लिया है तो अभी तो सब जेब खाली है मेरी, अभी सब दे दिया घर ले लिया अभी कार लेंगे मस्त सी। कौन सी कार तो मैं बताऊंगा नहीं अभी, फिर वो यूट्यूब पे बता दूंगा, बट अभी सुपर बाइक ले रहा हूँ मैं, आपने अभी मैंने ZX NR ली थी, आपने भेज दी अभी? नहीं ZX NR थी मेरे पास, ZX NR मैंने ली थी 20 लाख रुपए की, तो अच्छा। मैंने बेच दी अभी, अब मैं लूंगा S1000 RR जो नया वाला वेरिएंट आया है वो 37 लाख रुपीस का है, तो अभी शायद इंदौर जाके अभी ले लूँ या फिर cash? एक दो दिन में ले लूँ, ऑल कैश, कभी भी EMI पे नहीं लेनी चाहिए चीज़ें। मेरी कार जो MG Hector है ना वो EMI पे, उसकी EMI की लोड बहुत ज़्यादा रहती है दिमाग पे साला कि कब देना है कब, मैं क्या करता हूँ ना सब खर्चे कर देता हूँ, पैसा अकाउंट खाली कर देता हूँ, ऐसा ही आपके फेवरेट शूज की कंपनी? मेरे फेवरेट शूज़ की कंपनी नाइकी, नाइकी के मेरे को अच्छे लगते हैं, मेरे को नाइकी का एक ही शूज़ अच्छा लगता है, एयर फोर्स वन ये जो भाई आपने पहना है ना यही अच्छा लगता है मेरे को, तो अभी मैंने इसका ये लुई विटॉन वाला वेरिएंट खरीदा है, ये भी काफ़ी महंगा है तो ये खरीदा है अभी, एंड ज़्यादातर मैं कॉन्वर्स पहन लेता हूँ, बाकी एयर फोर्स वन मेरे फोटोज पे देखो किसी भी आउटफिट में पहन लो, वाइट तो हर कलर में, नहीं वाइट शूज़ नहीं यही एयर फोर्स वन ये सबसे बेस्ट शूज़ है, ये मेरा फेवरेट शूज़ है एकदम मस्त, मुझे बढ़िया लगता है। आपके हर रील्स में भी देखा मैंने, हाँ यही पहनता हूँ मैं रोज पहनता हूँ, मेरे पास 10 शूज़ है, 10 शूज़ है, 10,000 रुपये का आता है एक, मेरे पास 10 शूज़ है, एक साथ रखे हुए ऐसे यही पहनता हूँ निकाल निकाल के दो के, क्योंकि यही सबसे बेस्ट लगते हैं। बाकी मैं बूट्स भी पहन लेता हूँ कभी कभार, पापा ने बोला कि भाई बूट्स वूट्स पहना कर बड़ा हुआ थोड़ा, जीन्स पे बूट्स वगैरह। आपके फेवरेट ड्रेस मतलब कंपनी कौन सी है? मेरी फेवरेट कंपनी है, मैं ज़ारा से ज़्यादातर शॉपिंग करता हूँ एंड H&M से बहुत कम करता हूँ और ज़ारा से, बाकी अभी मैं मेरी खुद की ब्रांड भी लॉन्च कर रहा हूँ क्लोथिंग ब्रांड, तो उसमें करा था मैंने पहले टी शर्ट्स लॉन्च करी थी, बट वो जिस कंपनी के साथ लॉन्च करी थी उनके साथ मेरे को उनका क्वालिटी वगैरह अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा इसको बंद, अच्छा बहुत सारे मेरे एक ही दिन में 100-200 टी शर्ट सेल हो गए थे, 700 रुपये का एक टी शर्ट था मेरा, बट मेरे को कंप्लेन आ रहे थे कि ये अच्छे नहीं इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, तो मैंने उसी वक्त मैंने बोला भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। का नाम क्या हुआ? अब सीधा स्ट्रीट से पहले भी था, सीधा स्ट्रीट से सब स्ट्रीट से अपन लौंडे स्ट्रीट वाली बात चीज थी। और जैसे कि हम जानते हैं कि आप फैम्रो आर्मी हो, फैम्रो ऑलवेज फैम्रो, फैम्रो टीम तुषार,